मनोज, और आपको बता दें, लगातार हम अधिकारियों के साथ बैठक कर हमें जाने का प्रयास करते हैं कि 2019 में जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग विभागों में क्या प्रगति रही, क्या उपलब्धियां रही, ये आपको भी जानने का हक है। हम अभी दरभंगा प्रमंडल आयुक्त का हमने दिखाया था, अब हमारे साथ दरभंगा के DDC हैं गाड़ी प्रसाद महतो जी, जो पिछले वर्ष लगातार दिन रात मेहनत कर कई इनके कंधों पर जो जिम्मेवारी है, कई विभागों की जिम्मेवारी होती है। अब लेकिन सबसे बड़ी हम बता दें कि अभी जल जीवन हरियाली जो मुख्यमंत्री का एक योजना है और दूरदर्शी योजना है, इस पर अभी जो जल जीवन हरियाली को लेकर बता दें। जल जीवन हरियाली जो बिहार सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और ये न केवल एक योजना है बल्कि आगामी जो हमारा भविष्य है, यह एक जनजीवन के सरोकार से सीधा संबंध है। आप सभी अवगत होंगे कि जिस तरह से जल संकट उत्पन्न हो रहा है, दरभंगा जैसे शहर और ग्रामीण क्षेत्र जो पान मखान मांस और हर एक जगह तालाब के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ भी जल संकट हुआ। हम लोग कभी सुनते थे कि लोग टैंकर के पीछे भागते हैं, और ये ऐसा दुर्भाग्य आया कि दरभंगा में भी यह चीज़ देखने को मिला। तो निश्चित रूप से हम लोग नीचे धरती के अंदर जो जल है उसको हम लोग लगातार खींचते जा रहे हैं, लेकिन उसको हम फिर भरने का काम नहीं कर रहे हैं, रिचार्ज का काम नहीं कर रहे हैं। तो यह जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जो नए जल सृजन है, जो जल संचयन है, सभी काम कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में लगभग 5,000 से अधिक तालाब हैं, जिसमें एक एकड़ के 501 तालाब हैं जो मनरेगा के तहत खुदाई होगी, जिसमें 2,202 पर काम चल रहा है, लगभग 156 के आसपास कंप्लीट भी हो गया। और जस्ट ये पानी हटने के बाद एक दो महीने बाद हम लोग उस पर त्वरित गति से करेंगे। एक एकड़ से जो अधिक रकबा का जो तालाब है, लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है, और उस पर भी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। आप लोग अवगत होंगे कि एक बेनीपुर प्रखंड के तरौनी गांव है, भटोकर पोखर, जहां अभी हम लोगों ने उसको जीर्णोद्धार कराया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 12 दिसंबर को वहां आए थे, और वहां न केवल जल संचय हुआ, उड़ाही हुई, छठ घाट का निर्माण हुआ, चारों तरफ लोगों को पैदल टहलने का हुआ, और लगभग वहाँ पर 500-600 से अधिक पौधे लगाए गए, और अभी भी हम लोगों का लगाए जाने का कार्यक्रम है उसमें। अच्छा, 2019 में आपके विभाग में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जो लोगों को मोटे तौर पर याद है और लोगों को जानने चाहिए? देखिए, उपलब्धियां तो बहुत हैं। उदाहरण स्वरूप, हमारे इस साल में हमको 53,778 का प्रधानमंत्री आवास का टारगेट है, जिसमें हम लोग 52,600 लोगों को सैंक्शन करके प्रथम किस्त की राशि दे चुके हैं। 600-700 ऐसे ही लोग बाकी हैं जिनके ज़मीन में कोई विवाद है, ज़मीन का कागजात नहीं है, या वो बाहर चले गए हैं, उनको भी हम लोगों ने सूचना दिया है कि आप आ जाएं, आपकी स्वीकृति हो गई है, आप ज़मीन का कागजात देकर अपना खाता खुलवा लें, हम लोग उनको भुगतान कराएंगे। दूसरा चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्वच्छता। हम लोगों के यहाँ जो 13-14 में बेसलाइन सर्वे हुआ था, उसमें 4,47,000 परिवार शौचालय विहीन थे। उन परिवारों को हम लोगों ने एंट्री करा के लगभग 80-85% लोगों को दिया है। अब ऐसे लोग बचे हुए हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, या बाढ़ वगैरह के कारण जिनका शौचालय टूट गया है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो घर बंद करके बाहर हैं, इच्छुक नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने LOB लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज के तहत एंट्री किया है, और ऐसे परिवार लगभग 48,000 हैं, इनको भी शौचालय बना के हम लोग जो 12,000 रुपया जो इंसेंटिव पेमेंट है उसको कराएंगे, और अगले एक दो महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। हम बता दें, दरभंगा के जो DDC हैं, इनके कंधों पर कई जिम्मेवारी, यानी कि जिलाधिकारी के बाद इनके कंधों, हालांकि जिलाधिकारी अभी छुट्टी में, इनके परिवार में DDC ही हैं, और खासकर बता दें इनके कंधे पर जिला परिषद से लेकर के सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी, क्योंकि जो प्रखंड पंचायतों में जो विकास के कार्य होते हैं या विभिन्न
प्रखंड के जो BDO होते हैं, CO होते हैं, उन्हीं के आधार पर चला जाता है। इसके अलावा बैंकों के द्वारा जितने ऋण दिए जाते हैं, बैंकों के साथ समन्वय कर कई हैं, तो जिला आपका किस तरह का काम कर रहा है? नहीं, जिला में अभी सभी बिंदुओं पर हमें जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशन में काम चल रहा है। और आप लोग भी जानते हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय कितने तत्परता से स्वयं इस काम को करते हैं। जो वृद्धजन योजना है, जितने भी 60 साल से अधिक के वृद्ध हैं और सभी को, चाहे APL के हों चाहे वो BPL हों, सभी लोगों को अपना आवेदन RTPS काउंटर पर देना है और स्वीकृति हो जाए। हम लोगों ने हर एक पंचायत में जहाँ पंचायत भवन है वहाँ RTPS काउंटर खोल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, और वहीं पर जाति आवास वृद्धजन योजना अन्य सभी तरह के जो काम हैं वहीं से वो काम कर लेते हैं। उनको जिला या ब्लॉक या अनुमंडल आने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो राशन कार्ड का हो चाहे अन्य चीज़ हो। नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोग जल जीवन हरियाली पर हुआ, वृक्षारोपण का अभियान हुआ, नहर खुदाई है, आहार है, पानी है जो भरा भर गया है, गाद हो गया है, तो ऐसे नहर आहार पानी को भी हम लोग उड़ाही कर रहे हैं ताकि वो खेतों तक जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको जानकर होगी कि हम लोग चेक डैम जो बनाना शुरू किए हैं। सामान्य रूप से जाना जाता है कि चेक डैम पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन हम लोगों ने जो हमारी ओल्ड रिवर्स हैं, मरने कमला, मरने जीवज, इस तरह की नदियां हैं जो बरसात के समय पानी बह जाता है, बाढ़ में पानी आया और फिर वो समाप्त हो जाता है, तो हम लोगों ने चेक डैम बनाया, उस पानी को रोकने का काम किया है, जिससे पानी रुका, जल संचय हुआ, वहाँ पर लोग कृषि भी कर सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं, पशु वगैरह को नहा धुला सकते हैं। तो इस तरह का काम हम लोगों ने किया है। और हमारे इस काम को माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तो कई जिलों ने देखा कि दरभंगा में इस तरह का काम हुआ है, और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय भी इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, और आगे भी हम लोग इस साल तो 26 सितंबर से अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई है, इस साल हम लोग जब ये थोड़ा सा पानी समाप्त हो जाता है तो हम लोग इसको बृहद स्तर पर कार्य करेंगे। तो 2020 की क्या आपकी चुनौतियां हैं, कौन सा प्रमुख आपने लक्ष्य रखा है जो 2019 पे नहीं हो पाया उसे पूरा करेंगे? देखिए, 2020 को जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, पहला चुनौती है कि जो हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री आवास का, सरकार चाहती है कि हर एक जो गृहविहीन लोग हैं जिनको इस प्रावधान के तहत चयनित हुए हैं वो अपना आवास बनाएं। और दुखद बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग राशि मिलने के बाद भी बना नहीं रहे, हम लोग उनको चिन्हित करके किसी तरह की कठिनाई है तो वह कर रहे हैं। और हमारा है कि 100% जो हमारा लक्ष्य है वो लोग घर बना लें, पहला मेरा ये है। दूसरा है कि 20 में जो हमारा मार्च तक जो भी हमारे शौचालय विहीन हैं, जैसे बहुत ऐसे टोले हैं महादलित के या अल्पसंख्यक के जहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है, तो हम लोग वहाँ कम्युनिटी शौचालय बनाएंगे, 4 सीट का या 6 सीट का हम लोग शौचालय बना के, और उस सोसाइटी को हम लोग शौचालय दे देंगे ताकि वो शौचालय विहीन नहीं रहे। तीसरी हमारी है जल जीवन हरियाली में, आप देखिए वाटर रिचार्ज का, घर के नाला का पानी बाहर बह जा रहा है, चापाकल का पानी बहता जा रहा है, तो हम लोग उस पानी को 100 पीट बना के उस पानी को जमा करेंगे और ताकि धरती के अंदर वो पानी चला जाए। और ये हमारे हर एक पंचायत में कम से कम 10 या जितनी जगह आवश्यकता होगी हम लोग मनरेगा के तहत ये बनाएंगे। इसके साथ ही हम लोग जो सरकारी भवन है उसका जो वर्षा जल वैसे ही बह जाता है, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब हुआ कि वर्षा जल को संचय करिए, उसको धरती के अंदर दीजिए, और इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो 24 JEE हैं, 1 AE हैं, 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हम लोग आम पब्लिक को भी कर रहे हैं कि यदि आपको बनाना हो और कोई तकनीकी जानकारी हो तो हम लोग निःशुल्क हमारे यहाँ दे दें कि हमको तकनीकी जानकारी चाहिए, हम लोग निःशुल्क फ्री में हम लोग तकनीकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और यदि वो समूह में होंगे तो हम लोग वहाँ जा के भी उस काम को कराएंगे ताकि उनको तकनीकी सहायता मिल सके। वही जिला स्थापना दिवस पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? नहीं, अभी 1 और 2 कार्यक्रम है हमारा महत्वपूर्ण। 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला है, मानव श्रृंखला में लोगों का समर्थन के लिए सरकार का आह्वान है
इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल जीवन हरियाली, दूसरा है दहेज प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह का उन्मूलन, नशा मुक्ति, ये सभी चीज़ें जन सरोकार से संबंधित है। और इसमें ये नहीं है कि लोग जमा हो हाथ पकड़ के खड़े हों, बल्कि इस चीज़ को जानें कि यह हमारे लिए क्या अभिशाप है और हम इसमें जुड़ें और इस योजना को सफल बनाएं। जब व्यक्ति व्यक्ति जुड़ेगा तभी ये योजना सफल होगी और हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। और हमारा जो 9 अगस्त 2020 को हमारे ज़िले में लगभग 7,52,000 पौधे लगाने हैं, इसके लिए हम लोग पौधशाला का निर्माण कर रहे हैं और हर एक पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण समिति, प्रखंड स्तर पर वृक्षारोपण समिति, जिला स्तर पर समिति बनाए गए हैं और उसका टारगेट है एक गड्ढा एक आदमी। ये नहीं कि एक आदमी 200 पेड़ लगा दिया, नहीं, एक आदमी एक गड्ढा पर एक पेड़ लगाएंगे ताकि लोगों की भावना जुड़े कि ये पेड़ क्यों लगाना आवश्यक है। और जब वृक्ष लगेगा तभी पर्यावरण सुरक्षित होगा और पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। तो हम बता दें 2020 में कई ऐसे कार्य होने हैं जिस जो आम जनता के लिए फ़ायदा होगा, खासकर जल संकट से उबारने के लिए मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शी योजना है जल जीवन हरियाली, उस पर ज़्यादा काम होगा, जिससे उन्होंने कहा कि 7 लाख पेड़ लगाने हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें जो कमी रह गई है उसको भी दूर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवास देना है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय जिन्होंने नहीं बनवाया उसे भी पूरा करना है। इसके अलावा 19 जनवरी को जो सबसे अहम है, जिस पर दरभंगा जिलाधिकारी लगातार कार्य और बैठक करते रहे हैं, वो है कि 468 किलोमीटर दरभंगा जिले में मानव श्रृंखला बनानी है जो इन तमाम बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगा। तो मिथिला मजदूर के कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लेकिन अंत में एक बार फिर आपको संदेश मैं दरभंगा जिले के सभी जनता जनप्रतिनिधियों और आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रमों को आप लोगों को जागृत करें, कहीं ऐसा प्रतीत होता है तो हम लोगों को भी बताएं। और आगामी वर्ष जो नव वर्ष बुधवार से है, तो आगामी वर्ष 2020 के लिए भी सभी लोगों को हम जिला प्रशासन की ओर से शुभकामना देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आने वाले जो वर्ष होंगे उनके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, उनके उन्नतिदायक हो और कल्याणकारी हो। तो धन्यवाद, लेकिन आपके कंधों पर भी जिम्मेवारी है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह जागरूक रहें ताकि बिचौलिए बीच में ना आ सके, क्योंकि जब जिला प्रशासन अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो आपके कंधों पर भी एक जिम्मेवारी है ताकि सारी योजनाओं को लाभ उठाते हुए शांतिपूर्वक अपने क्षेत्र और अपने जिला का विकास कर सके। धन्यवाद।